अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिशेल अपने ऑफिस स्टाफ के साथ अपना बर्थडे क्लब में सेलिब्रेट कर रही थी और वो टल्ली होकर पागलों की तरह डांस करती है और बॉयज से फ्लर्ट करती है पर फिर ब्लैकआउट हो जाती है। तभी हम कुछ दिन बाद देखते हैं मिशेल को, वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल गर्ल है और एक कंपनी में मैनेजर की जॉब करती है। उसकी कंपनी का बॉस जिसका नाम बिल है वो बहुत ही हॉट एंड हैंडसम है, एकदम परफेक्ट, इसलिए ही ऑफिस की हर लड़की का उस पर क्रश है, स्पेशली मिशेल का। जब बिल उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने पे उसे हक करने को कहता है तो वो इमेजिन कर रही थी कि वो बिल को किस कर रही है, पर सब उसके अजीब बिहेव को देख हंस रहे थे जिससे मिशेल को बहुत शेमफुल फील होता है। बिल ने जो मिशेल को न्यू प्रोजेक्ट दिया था इसलिए वो सबको काम पे लगने को कहती है, बट सबके सब सो रहे थे सिवाय टोनी के। टोनी जो उसकी कंपनी का एक एम्प्लॉयर है वो बहुत ही टैलेंटेड और कूल है, पर फॉरेन से स्टडी करने के बाद भी वो मिशेल का असिस्टेंट बनना चाहता है क्योंकि उसका मिशेल पे क्रश है, बट वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। जब मिशेल एक्सपायर फूड खाने वाली थी तो टोनी उसे उसका फेवरेट पिज़्ज़ा ला कर देता है, पर वो फिर भी उसे रूडली बात करती है। टोनी उसे अपने साथ के पॉप कॉन्सर्ट पर चलने को कहता है बट वो फिर से मना कर देती है। देन टोनी वॉज लाइक, तुम हमेशा मुझे रिजेक्ट क्यों करती हो। इनफैक्ट टोनी उससे कुछ साल छोटा है इसलिए वो उसे हमेशा रिजेक्ट कर देती थी। तो वो कहता है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, अपने बर्थडे वाले दिन तो तुम ऐसे नहीं थी, उस दिन तो तुमने मुझे ये भी कहा था कि। वो कहती है, आगे से मेरे बर्थडे की बात मत करना, पूरी कंपनी को पता है कि मैं उस दिन टल्ली होकर ब्लैकआउट हो गई थी, तो जो भी मैंने बोला था या करा था वो सब टल्ली होने की वजह से था, इसे सीरियसली मत लेना, समझे। तो टोनी बेचारा हाँ बोलकर सैड हो चला जाता है, पर वो जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा खाने लगी थी। फिर वो घर जाती है जहाँ उसकी कैट उसका वेट कर रही थी। नेक्स्ट डे वो देखती है कि उसके फेस पे एलर्जी हो गई है। डॉक्टर बताती है कि तुम्हें कुछ महीने अपनी कैट से दूर रहना होगा, पर वो हैरान थी क्योंकि वो तो कई सालों से अपनी कैट के साथ रह रही है, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर कहती है, ये ऐसे स्पेशल टाइम पर ही होता है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। मिशेल तो हंस पड़ती है क्योंकि वो तो अभी तक वर्जिन थी। डॉक्टर उस पर चिल्ला पड़ती है तो उसे याद आता है कि वो अपनी बर्थडे पार्टी से नेक्स्ट वाले दिन किसी होटल के रूम में से उठी थी, इसलिए वो चेकअप करवाती है और वो सच में प्रेग्नेंट थी। तो डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो या बॉयफ्रेंड है। वो कुछ भी नहीं बोलती। देन डॉक्टर वॉज लाइक, तो तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है, अगर तुम 3 महीनों में इस बच्चे के बाप को नहीं ढूंढ पाई तो बाद में तुम्हारा अबॉर्शन होना मुश्किल है। इसलिए मिशेल को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे, तो वो अपने असिस्टेंट से पूछती है, मेरे बर्थडे पार्टी में कितने बॉयज आए थे। वो कहता है, लगभग 20-25, मैंने सबको इनवाइट किया था। वो टोनी की तरफ देख पूछती है, ये कब वापस गया था। वो कहता है, ये तो केक कटते ही सबसे पहले चला गया था क्योंकि इसे ट्रेन से शंघाई जाना था, इसे प्लेन से डर लगता है ना। वो पूछती है, सबसे लास्ट में कौन वापस गया था। तो वो उसे 5 लड़कों का नाम बताता है। मिशेल अपनी इमेजिनेशन में उन 5ों से असली गुनहगार का नाम पूछती है। देन उसका ध्यान बोबो पे जाता है। इनफैक्ट बोबो उसका दूर का यंगर कज़न है। असिस्टेंट बताता है कि जब तुम ब्लैकआउट हो गई थी तो बोबो ही तुम्हें होटल रूम तक छोड़ने गया था। वो बोबो को कॉल करती है पर वो फ़ोन नहीं उठाता। तभी वो गलती से अपनी कार दूसरी कार से ठोक देती है तो वो फिर से चेकअप करवाने आती है। देन डॉक्टर वॉज लाइक, लगता है गॉड भी चाहता है तुम अपने बेबी को रखो, बेबी बिल्कुल ठीक है। टोनी उससे उसकी तबीयत पूछता है पर वो कहती है, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट टोनी तो उसे पिकअप करने आया था, वो भी कार की बजाय बाइक से। वो पूछती है, क्या तुम्हें कैट्स पसंद हैं। वो कहता है, हाँ मुझे तो कैट्स बहुत पसंद हैं और कैट्स को भी मैं बहुत पसंद हूँ। पर मिशेल की कैट उस पर गुर्रा रही थी, वो उसे अपनी कैट की डाइट के बारे में बता रही थी, पर टोनी तो उसके घर पर रखी चीज़ों को देखने लगा था जो क्राफ्ट्स से रिलेटेड थी। फिर जब वो कैट को पकड़ने लगा था पर कैट तो उससे फाइट करने लगती है। देन मिशेल वॉज लाइक, ये कर भी पाएगा या नहीं। पर फिर उसका अपनी कैट को खुद से दूर करने का मन नहीं कर रहा था तो वो कहता है, चिंता मत करो मैं इसका सही से ख्याल रखूँगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। वो कहती है, सिर्फ 3 महीनों की बात है। वो कहता है, कोई नहीं मैं तो लाइफ टाइम भी कर सकता हूँ। बट उसे मुँह बनाता देख कहता है,
वाओ, तुम्हारे क्राफ्ट्स कितने अमेजिंग हैं। तुम्हें तो शॉप खोलनी चाहिए जिसका नाम होगा मिशेल्स क्राफ्ट्स, और मैं तुम्हारा हेल्पर बन जाऊंगा। पर वो उसे भगाने लगी थी तो वो कहता है, तुम अपने असिस्टेंट से बर्थडे के बारे में पूछ रही थी ना, पता है उस दिन तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो, याद है कुछ। पर वो चिल्लाती हुई धप से गेट बंद कर देती है, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से उसकी रातों की नींद भी उड़ी पड़ी थी। नेक्स्ट डे वो बोबो से मिलने आती है, पर वहाँ उसे बोबो की गर्लफ्रेंड मिमी मिलती है, जो उसे बोबो के पास लेकर जाती है। पर बोबो तो रनिंग प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो भी उसके साथ भागती हुई पूछती है, मेरे बर्थडे वाले दिन क्या हुआ था। वो कहता है, उस दिन जो हुआ था वो मेरी गर्लफ्रेंड को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो तो मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। मैं मना कर रहा था पर तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ कर रही थी। वो कहती है, चुप, मैं थक गई हूँ। बोबो की बातें सुन मिशेल अजीब अजीब इमेजिनेशन करने लगी थी और उसे मारकर चुप करा देती है, और फिर कहती है, अबे मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी तेरी वजह से। वो कहता है, मेरी वजह से ये कैसे हो सकता है, हमने तो कभी कुछ नहीं किया। वो कहती है, अच्छा तुम्हें तो मुझे होटल रूम में छोड़ने आए थे, और तुम अभी अभी किस बारे में बात कर रहे थे। वो कहता है, मैं डांसिंग की बात कर रहा था, तुमने ज़बरदस्ती मुझे डांस के लिए तुम्हें उठाने को कहा था। तो मिशेल को भी डांसिंग सीन का याद आ जाता है, पर मिमी बोबो के थपड़ा लगाकर कहती है, तुमने किसी और को गोद में उठाया था, ब्रेकअप। तो बोबो उसके पीछे भागता है। मिशेल के फ्रेंड वीवे को भी उसकी प्रेगनेंसी का पता चल गया था, तो वीवे उसे उस बर्थडे पार्टी वाले दिन को रिमाइंड करने को कहती है। मिशेल को याद आता है कि वहाँ तो उसका बॉस बिल भी था, पर तभी बीच में कोई और टपक पड़ता है जिसका नाम टाइगर है। टाइगर को मिशेल से फर्स्ट साइट लव हो गया था, बट मिशेल ने उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया था। मिशेल तो टाइगर से शादी भी नहीं करना चाहती थी, पर वीवे उसे जल्द से जल्द शादी कर लेने को कहती है, क्योंकि परफेक्ट हस्बैंड ढूंढने के चक्कर में उसे लाइफ टाइम सिंगल ही रहना पड़ेगा। इसलिए मिशेल काफ़ी परेशान थी और टोनी उसे देख रहा था। टाइगर के आते ही मिशेल टोनी के साथ वहाँ से जाने वाली थी, पर टोनी उन्हें देख लेता है और वो उसे फ्लावर्स देकर अपने साथ लंच करने को कहता है। वो बहाना सोचने लगी थी तो टोनी कहता है, इनका आज बॉस के साथ लंच फिक्स है। तो टाइगर कॉफ़ी के लिए पूछता है, टोनी कुछ बोलने वाला था तो वो उसका मुंह बंद कर देता है और उसके कान में कहता है, मुझे बर्थडे वाले दिन की बात करनी है। मिशेल तो हैरान थी, पर टाइगर उस रात की बातें करते हुए कहता है, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था पर तुमने तो मुझे कसके पकड़ लिया। वो पूछती है, बताओ क्या मेरी बॉडी पे कोई बर्थमार्क है। वो कहता है, मुझे याद नहीं, सब कुछ इतना फास्ट फास्ट हो रहा था कि मैं सही से देख ही नहीं पाया, और तुमने कहा था कि तुम सिंगल नहीं मरना चाहती, तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे कान में ब्लो करता हूँ। ये सुन तो मिशेल का बुरा हाल हो रहा था, और वो उस नाइट के बारे में इमेजिन करती हुई कहती है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। वो कहता है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, मैंने टाइगर के जैसे तुम्हारे बेड पे जंप किया और फिर तुम जंगलियों के जैसे बिहेव करने लगी। फिर वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और कहता है, मैं बहुत रिच हूँ, तुम्हें हर चीज़ दिलवा सकता हूँ, लाइक ये मिल्क पाउडर, इसे पीकर बेबी मेरे जैसा स्ट्रांग और तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल बनेगा। वो कहती है, मैंने तो तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो तुम्हें किसने। इनफैक्ट उसके फ्रेंड वीवे ने ही टाइगर को सब बता दिया था, इसलिए टाइगर ने सब बातें झूठ बोली थी, तो वो अपने फ्रेंड पे बहुत गुस्सा करती है। रात में टोनी उसे मिल्क प्रोजेक्ट के लिए वीडियो कॉल करता है, पर वो पूछती है, हर कोई ये क्यों चाहता है कि प्रेग्नेंट वुमेन हमेशा स्माइल करती रहे। वो कहता है, क्योंकि वो बहुत हैप्पीस्ट होती हैं। वो कहती है, अच्छा क्या पता किसी ने उनका रेप करके उन्हें प्रेग्नेंट किया हो, या फिर उन्हें यही ना पता हो कि उनके बच्चे का बाप कौन है, या फिर वो एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गई हों। और मिल्क प्रोजेक्ट वाली फ़ोटो में से बाप की फ़ोटो हटा देती है और उस प्रोजेक्ट का मोटिव चेंज कर देती है, स्ट्रॉन्ग मदर सेल्फ रिलायंस। पर बॉस उससे पूछता है कि तुमने लास्ट मिनट्स पे प्रोजेक्ट का मोटिव क्यों चेंज कर दिया, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, और फिर उसे लेक्चर देने लगा था। पर मिशेल तो अपनी इमेजिनेशन में खो गई थी, तो टोनी उसे उसकी इमेजिनेशन से बाहर करता है और कहता है, बॉस तुम पे गुस्सा नहीं था। वो कहती है, वो गुस्सा था जब भी वो ऐसा करता है ना, यानी वो झूठ बोल रहा है। टोनी कहता है, तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ पता है, क्या तुम मेरे बारे में भी कुछ जानती हो। वो कहती है, मुझे नहीं पता, शायद तुम कभी झूठ ही नहीं बोलते। टोनी उसे मिल्क प्रोजेक्ट का नया आइडिया देता है, मिल्क को वर्ल्ड लाइफ के साथ कनेक्ट करने का, तो वो वर्ल्ड लाइफ एक्सपर्ट से मिलने के लिए कार की स्पीड बढ़ा देती है। टोनी उसे कहता है कि
कार मैं चला लूँगा, मुझे वहाँ का रास्ता अच्छे से मालूम है। पर मिशेल नहीं मानती क्योंकि उसे तो टोनी से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे भरोसा है। पर इतना दूर आने की वजह से उनकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है जिससे वो दोनों रास्ते में ही फंस गए थे। वो पूछती है, बताओ हम कहाँ हैं। वो कहता है, पर तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे भरोसा है ना। तो मिशेल उससे गुस्सा हो खुद ही पैदल जाने लगी थी पर फिर रुड़क कर नीचे गिर जाती है। टोनी उसे देख अपनी पैंट निकालने लगा था। वो कहती है, ये क्या कर रहे हो, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। वो कहता है, अगर मुझे कुछ करना भी होगा तो पहले तो मुझे तुम्हें वहाँ से बाहर निकालना होगा ना। और फिर अपनी पैंट लटका कर उसे पकड़ने को कहता है। तो मिशेल पहले पैंट और फिर उसका हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है पर वो उसके ऊपर गिर गई थी। तो वो कहता है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। वो उसके ऊपर से उठने लगी थी पर एक जानवर को देख डर जाती है। वो कहता है, बिल्कुल भी हिलना मत। वो कहती है, ये वुल्फ है या डॉग। वो कहता है, मुझे भी नहीं पता, तो हमें चुपचाप इसी पोजीशन में रुके रहना होगा। रात हो गई थी पर वो अभी भी ऐसे ही बैठे थे। तो वो पूछती है, हमें और कितना वेट करना होगा। वो कहता है, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, ये सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ, ये सिल्की सिल्की बाल। वो उसे दूर हटा उठ के भागने लगी थी और वो जानवर उनके पीछे पड़ जाता है। मिशेल के साथ साथ टोनी भी अपनी पैंट उठाकर भाग रहा था। वो पूछती है, ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है। वो कहता है, शायद तुम भाग रही हो इसलिए, या इसे तुम्हारी रेड जैकेट पसंद आ गई। तो वो अपनी रेड जैकेट उतार के फेंक देती है पर वो डॉग तो अभी भी उनके पीछे पड़ा था। तो वो टोनी को मारती है। फिर एक झोंपड़ी को देख दोनों उस पर चढ़ने लगे थे पर जल्दी जल्दी में टोनी से उसकी स्कर्ट फट जाती है। मिशेल को ठंड लगती देख वो उसे अपनी शर्ट पहनाने लगा था पर झोंपड़ी की छत टूटने से दोनों किसी कपल के बेड पर जा गिरते हैं और सबके सब चिल्ला पड़ते हैं। फिर टोनी और मिशेल अपनी जान बचाकर भागते हैं। वो उस तरफ जाने लगी थी तो वो कहता है, रुको, अब से तुम मेरी बात मानोगी ठीक है। वो हाँ करती है तो वो उसे भगाने लगा था पर वो फिर गिर जाती है। 2 आवर्स लेटर वो कहती है, मैं थक गई। वो कहता है, तुम थक गई, तब से लेकर तो मैंने तुम्हें गोद में चढ़ा रखा है। और उसे नीचे फेंक कर जाने लगा था क्योंकि वो लोग वर्ल्ड लाइफ एक्सपर्ट के घर पहुंच गए थे। इनफैक्ट वो टोनी का ही घर था क्योंकि उसके डैड वर्ल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे। पर उसने झूठ बोला था क्योंकि अगर मिशेल को पता होता कि वो टोनी के घर जा रहे हैं तो वो कभी हाँ नहीं करती। वो वहाँ अपनी कैट को देख बहुत खुश होती है। वो उसे कहता है, पहले हम हॉट शावर ले लेते हैं वरना ठंड लग जाएगी, डोंट वरी अलग अलग शावर होंगे। जब वो अंदर नहा रही थी तो छुप छुप कर टोनी को नहाते हुए देखने लगी थी और स्माइल करती है। वो अपने प्रोजेक्ट के लिए पोलर बियर की फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसे छींकता देख वो उसे टिश्यू देता है और कहता है, तुम बिल्कुल लिटिल गर्ल लग रही हो। वो सोने जाने लगी थी तो टोनी उसे कुछ टाइम अपनी कैट के साथ स्पेंड करने को कहता है। तो वो कैट के साथ खेलने लगती है पर मिशेल को फीवर हो गया था तो टोनी उसके लिए मेडिसिन लेने जाता है। मिशेल मेडिसिन नहीं खाती इसलिए वो कॉटन से उसके फीवर को कम करने लगा था क्योंकि बचपन में उसकी मॉम भी ऐसे ही किया करती थी। मिशेल उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो वो कहता है, डैड की प्लेन क्रैश से डेथ होने के बाद मॉम US चली गई। वो कहती है, तो तुम इसलिए प्लेन में ट्रैवल नहीं करते। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहता है, मैं उन सब प्लेसेस पे जाना चाहता हूँ जहाँ डैड गए थे, वो भी अपने लवर के साथ। और फिर अपना बिस्तर उठाकर बाहर सोने चला जाता है। मॉर्निंग में वो बर्ड्स को देखकर बहुत खुश होती है पर उसे देखते ही रूड बिहेव करने लगती है। तो टोनी उसे पूछता है, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे अपने काबिल समझो। वो कहती है, मुझे नहीं पता, पर तुम्हें मुझ में ऐसा क्या पसंद है। वो कहता है, तुम बहुत खड़ूस हो पर मुझे तुम्हारी आंखों में देख के लगता है कि तुम खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए ऐसा करती हो। मुझे तो तुम्हें एक इनोसेंट क्यूट सी लिटिल गर्ल नज़र आती है, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर वो वहाँ से चली जाती है। बॉस को मिशेल का नया मोटिव बहुत पसंद आता है इसलिए वो उसे हक करने को कहता है पर वो इस बार उसे हक करने की बजाय दूर से ही शाबाशी दे देता है। देन मिशेल वॉज लाइक, मैं इतनी स्टूपिड क्यों हूँ। टोनी उसे कंग्रेचुलेट करता है तो वो थैंक यू करती है। बॉस की असिस्टेंट रो रही थी क्योंकि बॉस ने उसे डांटा था तो वो सब उसे चुप कराने लगते हैं। बातों ही बातों में मिशेल को पता चलता है कि उस रात बॉस भी होटल में रुका था, वो भी मिशेल के साइड वाले रूम में। तो मिशेल बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उस रात वो बॉस के साथ थी। मिशेल बॉस से पूछती है, जब तुम मेरे बर्थडे के नेक्स्ट दिन उठे थे तो क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा था।
तभी बॉस को याद आता है कि शायद वो उस रात किसी लड़की के साथ था। उसके हाव भाव देख कर ही मिशेल सब समझ आती है और खुश होती है, क्योंकि अब तो उसे कन्फर्म हो गया था कि वो उस रात बॉस के ही साथ थी। बॉस कहता है, मिशेल तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि आई लाइक यू। वो कहती है, आई लाइक यू टू, और बॉस को किस करने लगी थी, बट रियल में तो वो टेबल को किस कर रही थी, यानी ये भी उसकी इमेजिनेशन थी। तो बॉस उसे सही से चेयर पे बैठने को कहता है और फिर बोलता है, इस सब की वजह से हमारी रिलेशनशिप पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें थोड़ा एक दूसरे को समझना चाहिए। वो कहती है, ओके ट्रस्ट मी। वो इतनी खुश थी कि एक परी की तरह ऑफिस में उड़ती फिर रही थी, सब उसे देख हैरान थे। तभी मिशेल के एक ज़ोरदार थपड़ा लगता है जो उसकी फ्रेंड ने ठोका था। इनफैक्ट मिशेल तो वहाँ वेडिंग गाउन ट्राई करने आई थी जो उसके बहुत टाइट था, क्योंकि उसने उसे बॉस का बेबी समझकर रखने का डिसाइड कर लिया था। पर उसकी फ्रेंड कहती है, तूने तो अभी तक बॉस को बेबी के बारे में नहीं बताया, अगर उसने तेरे बेबी को एक्सेप्ट नहीं किया तो तू क्या करेगी। तभी मिशेल को बॉस का मैसेज आता है डिनर के लिए, ताकि वो एक दूसरे को जान सकें। तो वो रेडी शेडी होकर डिनर पे आती है, उससे स्ट्रॉबेरी उठाई नहीं जा रही थी तो बॉस उसे अपने हाथों से खिलाता है। जब वो बताता है कि मुझे बीस बहुत पसंद हैं, देन मिशेल इमेजिन करती है कि वो अपने दो बच्चों और बॉस के साथ बीच पे है। वो उसे आई लव यू बोलकर किस करता है तो वो खुश हो रही थी और उसे पूछती है, क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं। वो उससे फ्लर्ट करता हुआ हाँ करता है, तो वो कहती है, आई एम प्रेग्नेंट विद योर बेबी। बॉस को तो विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो कहती है, हम प्रूफ के लिए डीएनए टेस्ट करवा लेंगे। बेबी का नाम सुनते ही बॉस हिचकिचाने लगा था और कहता है, अभी मेरा मेरी एक्स वाइफ से डाइवोर्स नहीं हुआ तो हमें 2 महीनों के लिए इस बात को सीक्रेट रखना होगा, उसके बाद सोचेंगे आगे हमें क्या करना है। मिशेल उसे अपने घर चलने को कहती है, बट वो बाय बोलकर चला जाता है। मिशेल को लगता है कि वो अपने डाइवोर्स की वजह से ऐसे रिएक्ट कर रहा था, बट उसकी फ्रेंड कहती है, मुझे नहीं लगता तुझे तेरे बॉस पे भरोसा करना चाहिए, ऐसा कर पहले टोनी से शादी कर ले, सबसे सेफ रहेगा। मिशेल कहती है, ये तो टोनी के साथ गलत होगा। वो कहती है, वो तुझे लव करता है तो इतनी कीमत तो चुका ही सकता है। ऑफिस में मिशेल टोनी की तरफ देख रही थी, पर जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो मुँह फेर लेती है। टोनी उसे फिर से अपने साथ कॉन्सर्ट पर चलने को कहता है, बट वो मना कर देती है। उन दोनों को बातें करता देख बॉस इशारे से मिशेल को बुलाता है। वो कहती है, तुम बार बार उस रात की बात मत करो, और चली जाती है। पर वो फिर से उसके घर आ जाता है, क्योंकि मिशेल की कैट टोनी के घर से गायब हो गई थी। तो वो गुस्से से टोनी के घर आकर अपनी कैट को ढूंढने लगती है, पर तभी देखती है कि कैट तो वहीं पर मज़े से बैठी है। इनफैक्ट ये टोनी का प्लान था, और वो गिटार बजाते हुए कहता है, आई लव यू बी माई गर्लफ्रेंड। वो जाने लगी थी तो वो उसे रोक के कहता है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, मुझे पता है तुम मुझे लाइक करती हो। वो कहती है, हम कभी एक नहीं हो सकते, बात ये नहीं है कि तुम मुझसे थोड़े छोटे हो, बात यह है कि मुझे अपने बेबी के लिए डैड चाहिए। वो कहता है, मैं अच्छा डैड बनूंगा, कॉज आई लव किड्स, भले ही मैं तुमसे थोड़े कम पैसे कमाता हूँ पर मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। वो कहती है, क्या तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो जो किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट हो। टोनी तो हैरान था, तो वो जाने लगी थी। वो पूछता है, ये किसका बेबी है, क्या वो हमारी कंपनी में से कोई है। वो कहती है, हाँ बॉस का। वो पूछता है, क्या ये कोई और वन नाइट स्टैंड था। वो कहती है, तो तुम मेरे बारे में ये सोचते हो। वो कहता है, सॉरी पर क्या बॉस ने इस बेबी को एक्सेप्ट कर लिया। पर वो उसे माइंड योर ओन बिजनेस बोलकर चली जाती है और बहुत गुस्से में थी। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, पर मिशेल और टोनी एक दूसरे से बात भी नहीं करते। मिशेल सोच रही थी कि वो बॉस को बेबी की अल्ट्रासाउंड के लिए साथ में चलने को कैसे कहेगी, क्योंकि वो तो बहुत बिजी रहता है। बट कितनी बार ट्राई करने के बाद भी बॉस उसका फ़ोन नहीं उठाता। उसकी फ्रेंड भी उसके साथ नहीं आ पाई थी, तो वो अकेले ही हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर पूछता है, सुना है तुमने बेबी के डैड को ढूंढ लिया। वो कहती है, वो बिजी है। तभी टोनी कहता है, हनी सॉरी आई एम लेट। वो उसे भगाने लगी थी, पर डॉक्टर उसे शांत करता है। टोनी उसे माफ़ी मांगने लगा था, बट वो तो गुस्से में थी। पर जब वो बेबी की मूवमेंट्स देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बेबी के लिए टोनी उसे हिल्स की जगह फ्लैट पहनने को कहता है, बट वो उठकर जाने लगी थी। वो कहता है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ,
काम होते ही मैं खुद ही चला जाऊंगा, और हाथ आगे करता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। टोनी के कहने पे वो अपने पेट पे हाथ फेरती है और फिर उसे वॉमिटिंग आ जाती है। जब वो दोनों बेबी के लिए शॉपिंग कर रहे थे तो बहुत मस्ती करते हैं। टोनी हमेशा हर काम में उसकी हेल्प करता, लाइक जैसे बेबी का डैड टोनी हो, और वो भी उसके साथ बहुत खुश थी। दोनों मिलकर बेबी का नाम फेलिसिटी रखते हैं। टोनी उसे बेबी की केयर करना सिखाता है और साथ में उसका भी ख्याल रखता है। जब वो बेबी के रूम की डेकोरेशन कर रहा था तो मिशेल नीचे गिरा सामान उठाने लगी थी, बट उसे पेन में देख वो उसकी मसाज करने लगता है। पर मिशेल टोनी के लिए कुछ कुछ फील करने लगी थी और पूछती है, तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो? वो कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ऐसी हंसती रहो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर भूख लगने की आवाज़ सुन दोनों हंस पड़ते हैं। फिर वो इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। मिशेल वॉशरूम गई थी, पर टोनी वहाँ बॉस को एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते देख लेता है, तो वो उसे शादी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछने लगा था। बट बॉस कहता है, मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा तुम मिशेल को सूट करते हो। वो कहता है, तो तू ये बात खुद से ही मिशेल को क्यों नहीं बता देता? बट बॉस को देख मिशेल छुपने लगी थी ताकि बॉस उसकी और टोनी के रिलेशन को गलत ना समझे, पर बॉस मिशेल को देख उससे फ्लर्ट करने लगा था। टोनी उसे मिशेल को सब सच बताने को कहता है कि बॉस मिशेल से शादी नहीं करना चाहता, पर वो बिना बताए ही चला जाता है। वो टोनी को घूर रही थी तो वो कहता है, बॉस अभी किसी और लड़की के साथ था। पर वो उस पर गुस्सा कर बॉस को मनाने चली जाती है। बॉस तो उल्टा उसकी और टोनी के रिलेशन को ही दोष लगाकर चला जाता है। टोनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि बॉस तुम्हें धोखा दे रहा है, पर वो तो बॉस की साइड ले रही थी और उसका थैंक यू कर जाने को कहती है। वो कहता है, तुम कब से ऐसी हो गई? वो कहती है, तुमने मेरी हेल्प कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो, और तुम्हारी हेल्प की वजह से मुझे तुमसे लव नहीं हो जाएगा। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, तुम भी नहीं। तुम्हें तो प्लेन से भी जाने से डर लगता है। सॉरी, वो कहता है, तुम्हारे बेबी का डैड होने के अलावा उसने आज तक तुम्हारे लिए किया क्या है? तो वो बिना कुछ बोले चली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि बॉस उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, पर टोनी उसे इतना लव करता है। नेक्स्ट डे टोनी कंपनी छोड़कर जा रहा था और उसकी तरफ देखता है। वो जैसे उसे रोकने लगी थी, पर वो मुंह फेर कर चला जाता है। तो मिशेल बहुत सैड होती है और बॉस से डायरेक्टली पूछने जाती है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? वो फिर से हिचकिचाने लगा था तो मिशेल कहती है, मैं सब समझ गई हूँ और जॉब छोड़ रही हूँ। तभी वहाँ बॉस की एक्स वाइफ आती है और उसके पास बॉस और मिशेल के फोटोज थे। फिर वो सब गर्ल्स को सुनाने लगती है कि तुम मेरे परफेक्ट हस्बैंड को देख उसे पाने की कोशिश कर रही हो, तो मैं सीधे सीधे बता दूं, जो मेरा है उसे इज्जत से मुझे वापस कर दो। मिशेल कुछ बोलने वाली थी तभी बॉस की असिस्टेंट कहती है, वो मैं हूँ। सब हैरान थे और बॉस को तो यकीन ही नहीं आता। तो असिस्टेंट कहती है, मुझे पता है तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पर मिशेल के बर्थडे की रात हम दोनों साथ में थे, और प्रूफ के लिए सब डिटेल्स बताने लगी थी। क्योंकि बॉस उसे अगली समझकर उसकी तरफ देखता भी नहीं था, इसलिए उसने जानबूझ के बॉस के साथ नाइट स्पेंड की थी ताकि उससे बदला ले सके, और उसके साथ फ़ोटोज़ भी ले ली थी। और कहती है, गर्ल्स सपने देखना छोड़ दो, ज़रूरी नहीं कि जो बाहर से परफेक्ट दिखता हो वो अंदर से भी परफेक्ट हो। सब क्लैप करते हैं और वो जॉब छोड़कर चली जाती है। बट बॉस की एक्स वाइफ ने सब रिकॉर्ड कर लिया था और इससे मिशेल का वहम भी दूर हो गया था। तो वो टोनी को कॉल करती है बट नहीं लगता। वो टोनी के साथ वाले मोमेंट्स को याद कर रो रही थी क्योंकि उसने बहुत ही कीमती चीज़ खो दी थी। पर जब उसका बेबी स्टमक पे लात मारता है तो वो अपनी केयर करना स्टार्ट कर देती है, और क्राफ्ट्स जो उसकी हॉबी है वो क्राफ्ट्स बनाते बनाते सो गई थी। तभी उसे टोनी का फ़ोन आता है उसका हालचाल पूछने के लिए। वो उस रात उसे उल्टा सीधा बोलने के लिए सॉरी बोलती है। वो कहता है, कोई बात नहीं, क्या तुम घर पे हो? मैं आ रहा हूँ। तो वो जल्दी जल्दी घर की सफाई करती है और साथ में अपना हुलिया ठीक करके मेकअप करती है। बड़ी मुश्किल से बेचारी को ड्रेस फिट आती है। टोनी को देख वो बहुत खुश हो जाती है और उसे अंदर बुलाती है, बट वो कैट देकर जाने लगा था क्योंकि उसे अफ्रीका के वर्ल्ड लाइफ टूर का ऑफर आया था। मीनवाइल मिशेल के ड्रेस की जिप खुल गई थी। वो कहता है, सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम उसे लव करती हो, मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए। वो पूछती है, तुम कब वापस आओगे? वो कहता है,
पता नहीं, पर एक साल भी लग सकता है। तुम्हारे और बॉस में सब ठीक चल रहा है ना? वो कहती है, हाँ सब ठीक है। वो कहता है, अच्छा है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे जब मर्जी कॉन्टेक्ट कर लेना। और जाने लगा था पर फिर वापस आकर कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं रुक भी सकता हूँ। वो कहती है, तुम्हें जाना चाहिए, अच्छा ऑफर है, अपना ख्याल रखना। तो वो चला जाता है, बट रियल में टोनी रुकना चाहता था और मिशेल भी उसे रोकना चाहती थी। टोनी को जाता देख वो रोने लगती है। उसकी फ्रेंड कहती है, जब तू उसे इतने लव करती है तो तूने उसे रोका क्यों नहीं? बट मिशेल कहती है, मैं अपने लिए टोनी के फ्यूचर को ख़राब नहीं करना चाहती, और उसने कहा था कि मुझे वो करना चाहिए जो मैं करना चाहती हूँ। फिर वो अपने होम टाउन में अपनी क्राफ्ट्स की शॉप खोल लेती है। 9 महीने पूरे होने वाले थे तो वो खुश हो रही थी। तभी टोनी वहाँ आ जाता है और कहता है, तुमने मुझे अपने और बॉस के बारे में झूठ बोला था, तुम और फेलिसिटी कैसी हो? वो कहती है, मैं ठीक हूँ, और फेलिसिटी मुझे रोज़ बताती थी कि वो तुम्हें मिस करती है। वो कहता है, मैंने भी उसे बहुत मिस किया। और फेलिसिटी से कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम बहुत औसम है, तुम्हें खुश करने के लिए उसे किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं, पर मैं तुम्हारी मॉम के साथ रहना चाहता हूँ। और रिंग दिखाकर मिशेल को शादी के लिए प्रपोज़ करता है। वो रो रही थी। वो कहता है, हम साथ में अच्छे हैं, इवन उस वे में भी। वो कहती है, क्या मतलब किस वे में? वो कहता है, बेड पे, तुम्हारे बर्थडे की नाइट पे, तुम्हें याद नहीं है क्या? मुझे लगा तुम जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रही थी। वो हैरान थी, पर तभी बेबी यास बाहर आने लगी थी। वो टैक्सी बुलाता है पर वहाँ कोई टैक्सी नहीं मिलती, तो वो मिशेल को रेडी में डालकर ले जाने लगा था। वो पूछती है, उस रात क्या हुआ था? वो कहता है, मैं शंघाई ट्रेन से जाने वाला था पर तुमने मुझे कॉल करके वापस बुला लिया। तुम बहुत रो रही थी और अपने साथ साथ मुझे भी टल्ली कर दिया था। इनफैक्ट उस रात मिशेल सिंगल होने की वजह से रो रही थी। तो वो उसे चुप कराते हुए कहता है, आई लाइक यू, मुझे पता है तुम भी मुझे लाइक करती हो, और दोनों किस करते हैं। वो कहती है, मैंने तुम्हें किस किया, पागल हो गई क्या? और फिर तुमने वो कर दिया? वो कहता है, नहीं, मैं तो मना कर रहा था पर तुम ज़बरदस्ती करने लगी और मुझे आई लाइक यू बोलकर किसिंग स्टार्ट कर दी थी। वो पूछती है, क्या मेरी बॉडी पे कोई बर्थमार्क है? वो कहता है, हाँ, लेफ्ट बट पे। कुछ लोगों का फंक्शन चल रहा था पर वो उनके बीच में से ही रेडी भगाकर ले जाता है। हॉस्पिटल में वो उसका कान पकड़ कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश की पर तुम मुझे हर बार चुप करा देती थी। वो कहती है, जब तुम्हें पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तब क्यों नहीं कुछ बोला? वो कहता है, मैंने सोचा था पर तुम तो श्योर थे कि ये बॉस का बेबी है, मुझे लगा तुम्हारा उसके साथ भी वन नाइट स्टैंड होगा। वो कहती है, तुमने मुझे इतना गंदा समझा है? बेबी बाहर आने वाला था, पर वो कहता है, रुको। देन डॉक्टर वाज लाइक, व्हाट? वो कहता है, तुमने मुझे अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं की? वो हाँ करती है। वो फिर से रोकने लगा था। देन मिशेल वाज लाइक, अब क्या चाहिए? वो कहता है, तुमने मुझे इसलिए हाँ बोला क्योंकि तुम मुझे लव करती हो, ना कि इसलिए कि मैं बेबी का डैड हूँ, है ना? वो हाँ करती है तो वो बहुत खुश होता है। पर फेलिसिटी के बाहर आते ही वो खुशी के मारे रिंग पहनाने से पहले ही गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिशेल और टोनी की शादी हो रही है और दोनों किस करते हैं तो सब लोग क्लैप करते हैं। मिशेल और टोनी अपनी फेलिसिटी के साथ बहुत खुश थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।